देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। कैब को लेकर पूरे देश में कई विरोध प्रदर्शन हुआ है, हमारे साथ में राम माधव जी है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कितना बड़ा बिल है और इसे आप क्या देखते हैं? एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत दशकों से जो पेंडिंग हुआ काम, बहुत दशकों से जो काम पेंडिंग पड़ा है, उस काम को पूरा करने के लिए इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को मोदी जी की सरकार ने, होम मंत्री अमित शाह जी ने हाउस पार्लियामेंट में लाया था। आज़ादी के बाद, देश का विभाजन के बाद, एक बार इस देश में जो पाकिस्तान से हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई शरणार्थी बनकर आए थे, उनको एक बार हमने नागरिक बनाया, पर 50 के दशक से आज तक लाखों लोग धार्मिक उत्पीड़न के कारण विस्थापित होकर हिंदुस्तान में आते रहे। यहाँ राजस्थान में आते हैं, पंजाब में आते हैं, बंगाल में आते हैं, असम में आते हैं, पूरे देश में आते हैं। 1.5 करोड़ ऐसे हमारे हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई भाई हैं जिनको अभी तक हम नागरिकता नहीं दे पाए हैं। इस कानून के बाद उन सबको इस देश के अंदर नागरिकता का एक प्रावधान मिलने वाला है। सर, क्यों ज़रूरत पड़ी आखिर ये बिल लाने? जैसा मैंने कहा, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। ये गलत निर्णय आज से 70-75 साल पहले हमने लिया था, उसी का परिणाम आज हम झेल रहे हैं। वहाँ तीनों जो देश है वो इस्लामिक देश बन गए हैं, तो वहाँ जो अल्पसंख्यक है, जिसमें हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, उनको तो वहाँ से उत्पीड़न के कारण भागना पड़ता है, तो हिंदुस्तान में आ जाते हैं। आके दशकों से यहाँ रह रहे हैं। मैंने जैसे कहा, 70 में जब बांग्लादेश बनी, उस समय करीब 40-50 लाख लोग आए। अब वो सबको यहाँ की नागरिकता देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह, चाहे वो राहुल गांधी, कांग्रेस या बाकी लोग, जो लोग भी विरोध कर रहे हैं? जो लोग राजनीतिक दृष्टि से विरोध कर रहे हैं, उनको एक बात समझना चाहिए, भारत का हमेशा के लिए इतिहास में यह एक विशेष लक्षण रहा है कि जो इस प्रकार शरणार्थी बनकर हिंदुस्तान में आते हैं, उनको हमेशा प्रश्रय हम देते रहे हैं। तो इनका विरोध इस समय बिल्कुल नाजायज विरोध है। पर कुछ लोग, जैसा भारत के पूर्वोत्तर वगैरह में जो लोग कुछ आशंकाओं के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हम इतना ही आश्वासन देना चाहेंगे, इस बिल के कारण किसी राज्य को या किसी विशेष समुदाय को किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई अगर दुष्प्रचार कर रहा हो तो उस प्रचार में नहीं आना चाहिए। यह बिल पूरे देश के लिए है, हमारे भाई जो विस्थापित होकर हिंदुस्तान में। अमेरिका आयोग ने साफ कहा है कि गृह मंत्री को पाबंदी करना चाहिए उनके ऊपर, उनके लिए, अमेरिका के लिए, और पाकिस्तान ने भी इसका विरोध किया, उनके लिए क्या सलाह है? नहीं नहीं, ये इसमें, ये भारत का आंतरिक मामला है और अन्य देशों का इसमें कोई किसी प्रकार का कोई लोकस स्टैंड ही नहीं बनता है। हिंदुस्तान में जो शरणार्थी आए हैं उनको सिटीजनशिप देने का निर्णय हम कर रहे हैं, तो कोई दूसरे देश को क्या लेना देना है उससे? अब गृहमंत्री जी ने पहले ही कहा था NRC 2021 में होगा। ये साहब थे जिनका, राम माधव जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो बिल लाया गया है वह शरणार्थियों के लिए जरूरत थी। दिनेश बोरा, बाड़मेर।